खबर गर्मा गर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं शीनम शर्मा और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के साथ, जहां पर किसान सम्मेलन में भी शामिल होंगे। किसान सम्मान सम्मेलन रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन पूजन का कार्यक्रम है और दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे। 9,26,00,000 लाभार्थी किसानों के खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे 20,000 करोड़ रुपए। किसान सम्मान निधि स्वयं सहायता समूह की 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र भी देंगे। और प्रधानमंत्री वाराणसी में आज मौजूद रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री की आगवानी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काशी में जब वो पहुंचेंगे। इससे पहले भी सीएम योगी काशी पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। काल भैरव और विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी के दौरे की शुरुआत किसान सम्मेलन से होगी। इसके बाद काल भैरव मंदिर और बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे और शाम में दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का पूजन करेंगे, फिर मां गंगा की आरती में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी का ये दौरा पूरी तरह से किसानों को समर्पित है। पीएम मोदी मंगलवार शाम करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हेलीकॉप्टर से मेहंदीगंज सभा स्थल जाएंगे। किसान संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम मोदी। देश के 9,60,00,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जारी करेंगे। डीबीटी के तहत 20,000 करोड़ से ज्यादा की 17वीं किश्त ट्रांसफर करेंगे। तीसरी बार शपथ लेते ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि उन्होंने स्वीकृत किया, उसकी किस्त भेजने का काम किया और प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर उन्होंने किसानों को संबोधित करने की इच्छा जाहिर किया है। उसकी हम लोगों ने तैयारी किया है, किसानों के बीच में उनका आगमन हो रहा है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी आ रहे हैं, तो हम सब लोगों के लिए यह हर्ष की बात है, गर्व की भी बात है। पार्टी ने भी स्वागत की पूरी तैयारी किया है और किसान निश्चित तौर पर उनके साथ बैठेंगे तो किसानों का जो मार्गदर्शन करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के पीएम के तौर पर शपथ लेने के बाद पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं। पीएम मोदी किसानों से संवाद भी करेंगे। किसानों के उगाए उत्पादों को देखने स्टॉल पर जाएंगे। 21 प्रगतिशील किसानों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान सभी किसान भगवा टोपी में नजर आएंगे। किसानों और महिला समूह को 300 आवास देंगे। 167 किसान सखी को प्रमाण पत्र देंगे। ये महिलाएं ऑर्गेनिक फार्मिंग करती हैं। वहीं पीएम मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का कहना है कि सभी तैयारियां हो चुकी हैं। वहां जिस तरह की तैयारी है, 50,000 किसान को ला रहे हैं और उसके बाद स्वाभाविक है बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने का कार्यक्रम है, फिर माँ गंगा की आरती करने का कार्यक्रम है और रात्रि प्रवास भी है। दूसरे दिन सुबह उनको जाना है, प्रस्थान करना है, तो शाम को आना और दूसरे दिन सुबह जाना, ये पूरा कार्यक्रम है। किसान सम्मेलन, बाबा विश्वनाथ का दर्शन और उसके बाद माँ गंगा की आरती। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार मोदी के दौरे को लेकर एक बार फिर से वाराणसी में उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के नमो घाट पर पीएम मोदी की रेत से तस्वीर उकेरी गई। स्थानीय कलाकार का कहना है कि पीएम मोदी मजबूत देश बनाने के लिए बेहतर काम कर रहे हैं। तीसरे टर्म के शपथ लेने के बाद अपने प्रधानमंत्री के स्वागत में यह कलाकृति
काशी वासियों की तरफ से समर्पित है। काशी के अपने दौरे में पीएम मोदी विश्वनाथ मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे। भीषण गर्मी में भी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। झुलसा देने वाली गर्मी के बीच विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी का नया कीर्तिमान बना है। मई का रिकॉर्ड टूटने के बाद अब जून का भी रिकॉर्ड टूटने वाला है। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बहुत अच्छी संख्या बनी हुई है। उदाहरण के लिए जो अभी हमारा मई माह बीता है, जिसमें आप जानते हैं कि 45 प्लस टेम्परेचर रहा इस पूरे माह में, उसमें 61,85,785 श्रद्धालुओं ने एक माह में श्री काशीनाथ मंदिर धाम में आकर दर्शन किया है। और अभी जो हमारा जून का महीना चल रहा है, इसमें 14 जून का आंकड़ा मैं नहीं सम्मिलित कर पाया हूँ, 13 जून तक का जो आंकड़ा था उसमें 19,85,000 श्रद्धालुओं ने लगभग दर्शन किए। पीएम मोदी मेहंदीगंज से पुलिस लाइन जाएंगे, जहाँ से विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर बाई रोड जाएंगे। इस दौरान मिनी रोड शो की भी झलक दिखेगी। पूरे रास्ते पीएम के स्वागत की तैयारी की गई है। पीएम मोदी भी गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाते हुए काशी के लोगों का अभिवादन स्वीकार करेंगे और तीसरी बार उन्हें काशी के सांसद चुनने के लिए आभार जताएंगे। न्यूज 18 के लिए वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट।